हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने सेस एंड ट्रांस का रेशियो देखा था, जो कि 1:1000 होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि सेस कन्फर्मेशन में हमारा जो अमाइनो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा, हम बोलेंगे कि स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से स्टेबल नहीं रह पाता। इसलिए इसमें दो ही रोटेशन पॉसिबल हो पाते हैं। हम बोलते हैं कि 0 डिग्री या 180 डिग्री पर ही, हम बोलते हैं, रोटेशन पॉसिबल होता है। सेस कन्फिगेशन में 0 रोटेशन पर, और ट्रांस कन्फिगेशन में ही फ्लिप कर जाता है 180 डिग्री। तो सिस कन्फिगेशन में होता क्या है? सपोज ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड में, क्योंकि सी अल्फा, जिससे क्या है, फर्दर आर ग्रुप भी अटैच होंगे, हाइड्रोजन भी अटैच होगा। तो अगर वो सी अल्फा एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये क्या होता है, स्टेरिक हिंडरेंस बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच में। इसलिए सिस कन्फिगरेशन में हमारा क्या होता है, सिस कन्फिगेशन उसे ही बोला जाता है कि जिसमें क्या है, हमारे सेम साइड में हम जो भी नंबरिंग कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो वो एक ही जंगर पर हो। तो स्टेरिक हिंडरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से लेस स्टेबल हो जाता है, इसलिए फ्लिप कर जाता है और ट्रांस कन्फर्मेशन में जाता है, जिसमें क्या है, अपोजिट साइड है। तो दोनों जगह बल्कि ग्रुप नहीं है, वह हाइड्रोजन है छोटा सा, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो जब भी हम किसी प्रोटीन सैंपल में देखेंगे, तो हमें ज़्यादातर क्या मिलेंगे, ट्रांस कन्फिगेशन मिलेंगे, जिसमें कि हमारा ओमेगा क्या होता है, 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो इसमें लेस स्टेरिक हिंडरेंस होता है और मोर स्टेबल होता है। इसी वजह से सिस और ट्रांस का रेशियो 1:1000 आता है, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन के केस में ऐसा क्या हो जाता है कि ये रेशियो चेंज हो जाता है, या इतना वेरी नहीं करता, उसको देखते हैं। प्रोलिन के केस में क्या होता है कि सिस ट्रांस का रेशियो 1:4 ही रह जाता है, मतलब ट्रांस कन्फर्मेशन आपको इतना नहीं मिलेगा, नियरली इक्वल मिलेगा। उसके केस में 1000 वेरी कर रहा था। वो किस वजह से? प्रोलिन अपने आप में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ट्रांसफॉर्म इसका देखें, मतलब क्या है कि ये हमारा अमाइड बॉन्ड, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, एक ये सी अल्फा है और एक हमारा सी अल्फा इधर है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही इन्वॉल्व हो जाता है, इसी वजह से इसका पोलैरिटी और नॉन पोलर पर भी लेकर डिबेट रहता है कि पोलर ग्रुप है या नहीं है। तो सी अल्फा जब अपोजिट साइड पे होता है, ऑल दो यहाँ पर भी हमारा कार्बन प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप है, तो ना ही ये इसमें स्टेबल रहता, तो तुरंत क्या कर जाता है, फ्लिप कर जाता है, स्टेरिक हिंडरेंस होने की वजह से अनस्टेबल रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं अपोजिट साइड तो वेरी कर रहे हैं, स्टेबल होना चाहिए, बट यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप है, उसमें क्या था, हाइड्रोजन आ जाता था जो बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर ये वेरी कर सकता है। कार्बन बड़ा हो जाने की वजह से यही चीज़ है, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंडरेंस होगा, ऑल दो सी अल्फा कार्बन अपोजिट साइड है। दूसरी तरह अगर हम देखें सिस टाइप में, स्टेरिक हिंडरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये तुरंत फ्लिप करेगा, इसमें तो बिल्कुल ही अनस्टेबल रहेगा। बट क्या है, इसमें भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसलिए ये रेशो इतना कम हो जा रहा है, क्योंकि ये खुद का साइक्लिक बल्कि ग्रुप हो जाने की वजह से। क्योंकि अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अलग से होता, तो वो सी अल्फा अगर ऊपर की साइड हम रखते ट्रांसफॉर्म में, तो वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता, बट इसमें भी स्टेबल नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली सिस ट्रांस होता रहता है। इसलिए इसमें जो प्रोलीन अगर किसी हमारे पेप्टाइड में होगा, तो बोलेंगे कि इसमें सिस ट्रांस का रेशो इतना ही आएगा, मतलब ट्रांस भी फॉर्म अपीयर हो सकती है और सिस भी, नियरली इक्वल। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, फॉर प्रोलीन रेसिड्यू साइक्लिक नेचर की वजह से, जो भी इसका हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है वो इसका साइक्लिक नेचर है, इसी वजह से सिस ट्रांस। जब भी हम किसी पेप्टाइड चेन को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें अगर बोलेंगे कि सिस कन्फर्मेशन ज़्यादा होगा या ट्रांस, तो अगर हम उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जिस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात की गई, अगर प्रोलीन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पर सिस ट्रांस का रेशियो इतना ही रहेगा। अगर प्रोलीन उस बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो पेप्टाइड बॉन्ड दूसरे अमाइनो एसिड्स के बीच में बन रहा है, या जिस पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है वो उनके बीच में नहीं है, प्रोलीन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब उसमें सिस ट्रांस का रेशियो 1:1000 ही रहेगा। थैंक यू।